नोटेशन लिख दिया हूँ मैं म्यूजिक पार्ट के साथ, आलाप भी है शुरू में, प्रैक्टिस करेंगे। स्केल भी उस तरीके का है कि मेल फीमेल दोनों आदमी बहुत ही आसानी से, जिनको सिर्फ सारे गामा अलंकार गाने आता है वो भी इस सॉन्ग को आज भर दिन तो निश्चित रूप से गाना सीख शाम तक, और बहुत ही रियाज भी हो जाएगा। इसका म्यूजिक पैटर्न जो मैं बनाया हूँ नोटेशन मिलेगा, पूरे सॉन्ग का नोटेशन, लिखित नोटेशन, एकदम बिगनर्स से बिगनर्स लोग भी तैयार कर सकते हैं। कुछ जगह गला का काम है, एडवांस लेवल के लोग उसको ठीक कर सकते हैं। म्यूजिक पैटर्न में अपने हिसाब से थोड़ा सा राग चेंज करके मैंने बनाया है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, पूरा देखिएगा। रक्षाबंधन की शुभकामना का कमेंट तो निश्चित रूप से मुझे भी दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं, सबसे पहला पैटर्न आलाप का है। इसमें जी शार्प को स्केल बनाया हूँ, जो ओरिजिनल में आप सुनिएगा तो वो ए शार्प स्केल है, लेकिन मैं थोड़ा डाउन कर दिया हूँ ताकि फीमेल लोगों को दिक्कत नहीं। पहला सा यहाँ बनाइएगा ये, हालांकि यहाँ से सा अगर करते हैं तो ये आखिरी सा होता है, लेकिन पहला सा इसको अगर बनाते हैं तो ये टोटल मंद्र सप्तक में आ जाएगा। यहाँ से ये सा, यहाँ से यहाँ तक मिड ऑक्टिव होगा, यानी कि मध्य सप्तक, बाकी तार सप्तक, उधर जाना नहीं है। यहाँ मध्य सप्तक के अंदर कुछ ही स्वरों के अंदर ये सॉन्ग गाए गए हैं और नीचे है, तो दिक्कत नहीं आएगी स्केल के हिसाब से। पहला आलाप है जो सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, देखिए मैं सरगम भी गाता हूँ और वो आकार में करना है, बीच में ट्यून भी है फ्लूट का, वो भी देखना है। सरगम है सा, आकार में करेंगे बिलावल थाट में है। सारे स्वर शुद्ध हैं, एक जगह थोड़ा एक्सेप्शन नोट लगता है जो एडवांस लेवल के लोगों के लिए रियाज हो जाएगा, वो मिलावल थाट में है, तो इसको ध्यान से देखिए। पहला ये हो गया, जैसे अलाप करेंगे बीच में फ्लूट का ट्यून है, फ्लूट है साधा सागरे साधा, ये फ्लूट का ट्यून है, आलाप में सेकेंड लाइन गरे रे गरे मगर सनिध बध सा, अभी तक भोपाली की तरह लग रहा है, लेकिन बाद में और भी नोट है, थाट बिलावल आप इसको कह सकते हैं, थाट बिलावल में रखिए। यहाँ का सरगम सेकेंड लाइन है गरे रे गरे मगर सनिध बध सा, आकार में करेंगे कहरवा ताल में है, ये बेस कॉर्ड लेके ताल उठा सकते हैं, ऐसा करके उठा सकते हैं। अस्थाई लाइन गाने के बाद म्यूजिक पैटर्न है, फिर स्टेंजा है, बहुत कमाल का है। अस्थाई का लाइन है, सामने लिखा हुआ है, सिंपल नोट भी है, कुछ गायकी की बात है, सिंपल नोट में गाइएगा तो ये नोट बनता है, नीचे के गौ से लीजिएगा, यहाँ से यहाँ से जैसे लाइन है चंदारे, तो क्या नोट बनेगा ग प ध रे सा रे ग चंदारे। अब इसी में गायकी की बात करेंगे, थोड़ा सा गमक के सहारे जाएंगे, चंदा 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 चंदा
चंदा चंदा, नोट वही है, आवाज की बात। ओके, एक बार और नोट देखिए। ग प ध रे सा रे ग चन चन, आस है चन, चंदा रे। आगे है मेरे भैया से ग ग ग ग रे रे ग रे सा, लिखा हुआ है मेरे रे मेरे भैया से कहना सारे रे सनिधा कहना कहना, जल्दी में करेंगे सारे रे सनिधा कहना। उसके बाद बहना, यहाँ पे एडवांस लेवल की बात, बहना याद करे, नोट क्या है धरे सा सा निध धनी ध पपा, बह यहाँ से बहना याद करे, हो भी लिखा हुआ है पूरा नोट, बहना याद करेगा, बीच में एडवांस लेवल की बात है, देख लीजिए एक्सेप्शन नोट है। धरे रे सा, ठीक है, बहना याद करे, दोनों नी है, निध धनी प प प याद, गमक है याद याद कर, निध धनी प याद याद करे हो द पग हो चंदा 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 रे। म्यूजिक पैटर्न जो मैंने बना के दिया है वो है थोड़ा शिवरंजनी की तरफ लेके गया हूँ मैं इसको, फिर वापस आ जाते हैं। जैसे नोट है, एक बार सुन लीजिए म्यूजिक पैटर्न क्या बजाना है। ये म्यूजिक पैटर्न बीच का, सामने स्क्रीन पे नोट है, गा सकते हैं। कैसे, शुद्ध गा से लीजिएगा, गाना नहीं है बजाना है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। गा रे ग सा रे, फिर से वही चीज, फिर से वही नोट लगेगा, थोड़ा चेंज आएगा। ओके, ये दोनों गा का प्रयोग है और रे ग सा है। सेकेंड में चेंज होगा, सारे का सारे इसमें जोड़ते हुए आगे, सारे का गप धप गरे गप धप गरे, आवाज नहीं भी ज्यादा ट्यून है इसमें, गौ लंबा हो जाए थे सेकेंड बार में, ग ताकि ताल ना कटे, ग गप धप ग ग रे ग सा। ओके, और लास्ट में प ध रे सा प ध रे सा प ध रे सा, पूरा ट्यून हो जाएगा, बिना गाए हुए बजा के दिखाता हूँ, बहुत शानदार लगेगा। जैसे मैं अस्थाई गा लीजिएगा, बहना याद करे हो चंदा रे, यहाँ और भी ले सकते हैं, ये भी कर सकते हैं सेकंड, जब जब सिर्फ सारे है वहाँ सारे घरे सारे गप धप ग ग रे ग सा ग, पूरा लाइन के साथ नोटेशन है, आराम से देखिए लाइन है,
क्या बतलाऊं कैसा है वो। सेकेंड लाइन भी सेम है, बिल्कुल तेरे जैसा है वो। नोट लिखा हुआ है पधा धा धा पधा सा पधा पापा सा पधा पापा। ओके ये सापा जल्दी में लीजिए सापा धा पापा बोलिएगा। क्या बतलाऊं कैसा है वो। इसे स्टिंजा का वही लाइन बिल्कुल तेरे जैसा है वो। ये लाइन हो गया दो लाइन। अगला स्टिंजा दो ही स्टिंजा है, अगला स्टिंजा में भी फर्स्ट दो लाइन इसी ट्यून में है। उसके बाद का ट्यून है लाइन है तू उसको पहचान ही लेगा देखेगा तो जान ही लेगा। कैसे है तू उसको पहचान ही लेगा। अगला लाइन भी ऐसी है देखेगा तो जान ही लेगा। नोटेशन है सामने लिखा हुआ है पध ससारे सध प पध ससारे सा तू उसको पहचान ही लेगा देखेगा तू। लाइन चेंज हो गया है, अब जो ट्यून है उसमें फिर दो लाइन है। वो लाइन है तू सारे संसार में चमके हर बस्ती हर गांव में दमके। लाइन है यहाँ ये गौ नोट है तू सारे संसार में चमके गा 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 रे रे गा रे सा सा तू सारे संसार में। रे का बिल्कुल यहाँ बीच में आने के टाइम में नहीं है इसलिए नोटेशन में नहीं है, छोड़ के भी आ सकते हैं। तू सारे संसार में चमके। अगला लाइन भी इसी में हर बस्ती हर गांव में दमके। उसके बाद लाइन है कहना अब घर वापस आ जा, सबसे मेलोडियस साउंड है मौ में है कहना अब घर। यहाँ भी है एडवांस की बात कहना अब घर वापस आ जा। नोट है लिखा हुआ है मा 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 गा मा पा मा पा गा गा रे गा गा मा 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 गा मा पा मा पा गा गा रे गा गा कहना अब घर घर थोड़ा गायकी में घर वापस आ जा। और लास्ट लाइन है तू है घर का गहना तू है घर का गहना हो तू है घर का गहना। अच्छा एक क्यों नहीं हो स्टार्टिंग अस्थाई में भी है ये नीचे का धा धागा ये तू है घर का गहना का नोट है गा गरे रे गरे सा रे रे सा नी धा गा गरे रे गरे सा रे रे सा नी धा तू है घर का गहना बहना या